एक ही लेवल पे था मेरा अपना एक्टिव हमारा तो परिवार ही है कि हमारे बच्चे जो है रफीक और आशू जो ये और मेरी बेटी जैमी ये साथ में बड़े हुए हैं तो हम लोग का बिल्कुल फैमिली रिलेशन है और सालों से 58 इयर्स समझ लो है ना। और फिर उन्होंने वो इतने बड़े स्टार थे लेकिन हमको हमेशा प्यार दिया उन्होंने। फिर हमने सोचा नहीं था कि हमारा भी इतना नाम होगा लेकिन हम लोगों का रिलेशन ऐसे ही रहा और अभी भी साथ में ही थे वायरल घर आना जाना ये वो सब। लेकिन हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे हमने एक भाई को खोया है और बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे बीच में नहीं रहे। इन्होंने बहुत काम किया हर स्टार के साथ इन्होंने काम किया उसके बाद इन्होंने फिल्में बनाई हिंदी फिल्म बनाई उसके बाद में मराठी फिल्में उन्होंने बनाई तो उसमें कोई ज़्यादा फिल्में चली नहीं और कोई ज़्यादा उन्होंने पैसे नहीं बनाए बल्कि पैसे काफ़ी उन्होंने डाले इसके नुकसान लड़ते रहे लेकिन फिर भी यहाँ तक के वो बीमार पड़े ना ये एक महीने से पता चला मुझे 20-30 तब तक का वो शो कर रहे थे शो चलता रहा बहुत मेहनती थे मैं शोज का काम कुछ ना कुछ करते ही रहे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कुछ? मैं ये कहना चाहूँगा कि 1913 से आज तक 1913 में हमारी पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र 1913 से लेकर 8 दिसंबर 2023 तक ना इतना बड़ा चाइल्ड आर्टिस्ट सुपरस्टार पैदा हुआ है ना होगा। ये अकेला चाइल्ड आर्टिस्ट था जिसके नाम पर फिल्म बिकी थी जिसके नाम से डिस्ट्रीब्यूटर अट्रैक्ट होते थे जिसके नाम से ऑडियंस जाती थी। वो राजेश खन्ना की फिल्म हो आन मिलो सजना आती मेरे साथी वो जितेंद्र की फिल्म हो कारवां वो महमूद साहब की फिल्में हो बॉम्बे टू गोवा अमिताभ बच्चन की वो देवानंद की फिल्म हो हरे राम हरे कृष्णा जूनियर महमूद की ज़रूरत पड़ती थी फिल्मों में कितने भी बड़े स्टार या सुपर स्टार हों उस फिल्म में। बहुत से चाइल्ड आर्टिस्ट आए बहुत उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की लेकिन जो लोकप्रियता जो सुपरस्टारडम एक चाइल्ड आर्टिस्ट को मिला वो आज तक ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। देखिए बहुत से सुपरस्टार हैं जिनके बच्चे कुछ नहीं बन पाए ये टैलेंट जो है ये किसी के खानदान की जागीर नहीं है लेकिन एक रेलवे ड्राइवर का बच्चा नईम सईद इतना बड़ा चाइल्ड स्टार सुपरस्टार बना ये तो ऊपर वाला जिसको दे देता है टैलेंट दे देता है जिसको नवाजता है तो ऐसा टैलेंटेड आज की जनरेशन शायद इतना नहीं जानती होगी। मैं मेरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ ये पहला और आखिरी चाइल्ड आर्टिस्ट थे जिसके नाम पे बॉक्स ऑफिस के टिकट्स फटते थे तो उसने इतिहास रचा। 110 साल का जो हमारा इतिहास है भारतीय फिल्मों का उसने इतिहास रचा है उसने इतिहास बनाया और मैं नहीं समझता कि इस इतिहास को आज तक कोई तोड़ पाए। और फिर मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी मिलते भी थे लेकिन भाई ये थे सलामत भाई सलाम भाई साथ ही रहते थे इनकी बड़ी बड़ी कीमत थी और उनसे मैं पूरा इन्फॉर्मेशन लिया करता था फ़ोन पे मेरी बात होती रहती थी रोज़ हर टाइम पे हर 5-10 मिनट में और वैसे भी रोज़ हमसे बात होती रहती तो ऐसा रिलेशन था। सर आपको सर Yeah.
आइए सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।